चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब इसमें क्या है कि एक पहले है ट्रांसमिशन टावर, उसके ऊपर एक है बिल्डिंग। तो मैंने मान लो ये बना लिया मैंने एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर है ट्रांसमिशन टावर। मान लो ये है अपना ट्रांसमिशन टावर, सो दिस इज द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये हो गई बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर ये है टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सारा डिस्टेंस वगैरह जो भी है या एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो मान लो पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये है हमारा ए, ठीक है, लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन विद द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन विद द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर मतलब कहाँ पे बनेगा एंगल मेरा, बॉटम ऑफ टावर एंड बॉटम ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ टावर, बराबर है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट दिया है हमको, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, एंड एंगल्स आर 45 एंड 60। सो ये वाला एंगल है अपना 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल है अपना 60 डिग्री का। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टॉप, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? अगर छोटा वाला 45 है तो बड़ा वाला ही उससे क्या होगा दूसरा? और यहाँ पे एंगल तो कौन से बन रहे हैं, ये एंगल छोटा वाला बन रहा है, ये ऊपर वाला बन रहा है, और एक पूरा बड़ा एंगल बन रहा है। तो एंगल जो है उन्होंने किसके साथ बोला था, एंगल मेड बाय द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद द टॉप ऑफ द टावर। तो ग्राउंड तो ये लेवल है, और टॉप ऑफ द टावर मतलब ये हुआ, तो यही एंगल 60 डिग्री का बनेगा, क्लियर? हाँ बोलो बेटा। नहीं है, ओके हम दूसरा बात करें, क्लियर? ओके चलो, तो यही डायग्राम मैं सादी इसमें बनाता हूँ अपने को, जो एग्जाम में हम लोग निकालेंगे उस हिसाब से। पॉइंट ए है हमारा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस बी सी इज बिल्डिंग जिसकी हमको हाइट कितनी दिया है 20 मीटर, ठीक है, बी सी इज बिल्डिंग, एंड दिस बी डी इज बी सी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज टावर। ये हो गया टावर, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, और ये जो बी से लेके सी तक है वो है हाइट 20, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ एक एक करके ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूँ? ओके, साइन यूज करेंगे तो आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल में सेम है कि अलग अलग है? अलग, वैल्यू भी अपने को पता नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं टैन लेता हूँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दोनों ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड सेम है क्या? है ना, कौन सी है, क्या नाम है, सेम। तो मैं टैन लेता हूँ, मुझे अपोजिट का तो काम ही है क्योंकि टॉवर को निकालना ही है, तो अपोजिट का तो काम, तो मैं ले रहा हूँ टैन।
सो टैन 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. टैन 45 इज वन. अपोजिट का क्या नाम है? BC. एडजेसेंट का क्या नाम है? AB. ठीक है. BC हमको दिया है क्या? ऑलरेडी दिया है ना. कितना है हाइट? 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय AB. तो AB की वैल्यू हमारी आ गई 20 मीटर्स. कन्फ्यूजन है? ठीक. अब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD फिर से मैंने लगाया tan. tan 60 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 60 का फॉर्मूला मैंने वैल्यू लिख दिया रूट थ्री. अपोजिट का नाम क्या है? BD. एडजेसेंट कौन सी है? AB. AB की वैल्यू पता है अभी हम. सो रूट थ्री इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय. सो BD हमारा आ गया आंसर 20 रूट थ्री. कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब BD में कौन से दो पार्ट आ रहे हैं? BD में आ रहा है BC जो कि बिल्डिंग है और CD जो कि टॉवर है. तो टोटल हाइट जो है BD की वो हमको पता है 20 रूट थ्री है. हमको BC मतलब बिल्डिंग की हाइट भी पता है 20 है. सिर्फ टॉवर की हाइट निकालनी है. यहाँ पे जाके होगा माइनस. सो 20 रूट थ्री माइनस 20 इज इक्वल टू सी. क्वेश्चन खत्म. सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, 20 को कॉमन निकाल सकते हैं. अगर 20 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस रूट थ्री माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे इंटू वन तो रहता ही है ना. 20 वन ज़ा 20. सो 20 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा रूट थ्री माइनस वन. क्लियर? सो दिस इज द हाइट ऑफ द टॉवर. कुछ पूछना है बेटा बताओ. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. एक पेडेस्टल है. पेडेस्टल मतलब जो जहाँ पे स्टैचू लगाते हैं ना उसको पेडेस्टल बोलते हैं ना. सो ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर है एक स्टैचू. मान लो ये है अपनी स्टैचू. सो दिस इज द पेडेस्टल and this is a statue. A statue 1.6 meter tall. इसका मतलब अपने को इस बार इसकी हाइट दी है 1.6 meter tall. Stands on the top of a pedestal from a point on the ground. एक पॉइंट है ग्राउंड पे. मैं एक पॉइंट निकाल लेता हूँ ग्राउंड पे. मान लो ये वो पॉइंट है A. From a point on the ground, angle of elevation of the top of the statue is 60. So, angle of elevation with the top of the statue is 60. Angle तो हमेशा horizontal के साथ रहता है. तो ये हो गया 60 degree. And from the same point, angle of elevation of the top of the pedestal. Top of the pedestal. मतलब ये हुआ bottom of the statue. है ना? सो दैट एंगल इज हाउ मच? 45. एंगल जो लास्ट क्वेश्चन में थे वही एंगल है. देखो फिर छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60. निकालना क्या है? हाइट ऑफ पेडेस्टल. देखो इस बार ये निकालना है. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन. लास्ट टाइम नीचे वाले की हाइट देके ऊपर की निकालनी थी, इस बार ऊपर वाले की देके नीचे की निकालना. जमेगा? ट्राई करोगे? ट्राई करो, नहीं आगे बता दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बेटा अगला क्वेश्चन है. फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, एक टॉवर है और एक बिल्डिंग है. तो मैं दोनों चीज़ें निकाल लेता हूँ. मुझे किसका हाइट कितना है कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल. एक चीज़ निकाल लिया और दूसरा और एक निकाल लिया. क्या बोला हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर इज 30. ए बी सी डी. मान लो मैंने ले लिया ए बी को बिल्डिंग और इसको ले लिया मैंने टॉवर. ठीक है. कौन ऊंचा है कौन किसका हाइट कम है पता नहीं है फिलहाल. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर इज 36. तो किसको किसके साथ जोड़ू बताओ?
डी को ए के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर, ये एंगल है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60, तो मतलब इस बार मुझे जोड़ना है बी और सी, ये एंगल दिया है हमको 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करना है, इफ द टॉवर इज 50 मीटर्स हाई, टॉवर की हाइट हम लोगों को दिया हुआ है 50 मीटर्स, हमको निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, देख रहा है। चलो तो अब कर लेते हैं एक एक ट्रायंगल में। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करना चाहिए मुझे? सर ट्रायंगल बीसीडी से पहले बीडी। यस, क्योंकि ट्रायंगल बीसीडी में दो चीजें पता है, एंगल भी पता है और एक साइड भी पता है, तो हमको ट्रायंगल बीसीडी से स्टार्ट करना है। सो मैंने लिया इन ट्रायंगल बीसीडी tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 कितना है रूट 3, अपोजिट का नाम है सी डी, एडजेसेंट का नाम है बी डी, सी डी की वैल्यू हमको पता है। सो रूट 3 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय बी डी, बी डी ऊपर जाएगा रूट 3 नीचे आएगा, सो बी डी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय रूट 3, रैशनलाइज द डिनोमेटर कर दिया, तो अपना बी डी का आंसर आया 50√3, नीचे रूट में 3 डबल तो बाहर आ गया, बी डी का आंसर आ गया। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, सो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 की वैल्यू लिख दिया 1/√3, अपोजिट का नाम है ए बी और एडजेसेंट का नाम है बी डी, सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी को हमको निकालना है, बी डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 50√3/3, डिवाइड की संख्या इधर जाएगी मल्टीप्लाई होगी 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 50√3/3 इज इक्वल टू ए बी, रूट 3 कैंसिल, सो आंसर इज 50/3, पॉइंट में निकाल लेता हूँ मैं कितना आएगा 16.66 मीटर, ठीक है, ए भी आ गया। बस ये तो था फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन था डाउट। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.66 मीटर, राउंड अप करेंगे तो 16.67 होगा, अगर पॉइंट के बाद तीन संख्या निकाली होती तो क्या आती 16.666, अगर मुझे दो लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ये संख्या देखूँगा पाँच या पाँच से बड़ी है तो इसको निकालने के पहले इसको एक से बढ़ा दूँगा, तो 66 का क्या हो जाएगा 67, ज़रूरी नहीं है करना ही है कर क्या, नहीं तो आप पीछे आंसर देखोगे हो सकता है 67 लिखा हो अपना आया 66 तो सोचोगे कि यार अपना गलत हो गया, ठीक है उतना एकदम ज़रूरी नहीं है करना ही, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, चलो ठीक है एक रास्ता बना लिया हम लोगों ने और दो पोल इसमें बना लेते हैं, ऑफ इक्वल हाइट इस बार बोला हुआ है तो इस बार इक्वल हाइट के दो पोल्स हम लोगों ने बना लिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सो एक ए बी है हमारा पोल और उतना ही हाइट का सी डी है, विच इज 80 मीटर वाइड, क्या 80 मीटर वाइड है, द पोल्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो जो रास्ता है उसका विड्थ है 80 मीटर, सो बी डी इज रोड एंड इट्स विड्थ इज 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब ये जो पोल्स है या बिल्डिंग है जो भी है क्या दिया हुआ था हमको पोल्स, तो पोल्स के बीच में अगर एक आधा कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, अगर मैं कोई यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया तो एक मेरा एंगल बनता है 60 डिग्री का और एक मेरा एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो मैंने ले लिया ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री का, किसी के भी साथ एक 60 का ले लिया 30 का ले लिया,
ठीक है, डाउट? फिर करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स की हाइट निकालना है, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है और इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है वो निकालना है, क्लियर? तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशो लेता हूँ किसी भी ट्रेंगल में, तो मेरा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ। जो 80 है वो 80 तो किसी एक ट्रेंगल में आता ही नहीं। तो अगर मैं बी को एक्स ले लूँ तो मेरा डी कितना आएगा, 80 माइनस एक्स, ऐसा करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स। सो मैंने लिखा बी डी में कौन से दो पार्ट आ रहे हैं, बी ई और डी ई। बी डी हमको 80 दिया हुआ है, बी को हमने एक्स लिया हुआ है, तो उसके ऊपर से फिर हमने डी ई निकाल लिया कि डी ई की वैल्यू हो गई 80 माइनस एक्स, क्लियर? अब एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाते हैं। मैंने लगाया इन ट्रेंगल ए बी ई टैन 60 टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन 60 की वैल्यू रूट 3, अपोजिट का क्या नाम है ए बी और एडजेसेंट का बी ई। ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है ना, बी ई की वैल्यू हमको पता है एक्स, तो इसके ऊपर से मेरी ए बी की वैल्यू क्या मिली, रूट 3x। बिल्कुल वैसे ही दूसरा वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल सी डी ई इन ट्रायंगल सी डी ई टैन 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन 30 की वैल्यू डाल दिया, अपोजिट का क्या नाम सी डी, एडजेसेंट का डी ई। सी डी पता नहीं है, डी ई कितना है 80 माइनस एक्स, क्लियर? ये 80 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 3 इक्वल टू सी डी। यहाँ तक ओके, बट जितना ए बी है उतना सी डी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट बोला। सो बट ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, तो मैं दोनों को इक्वल लिखता हूँ, फिर इसका मतलब हुआ रूट 3x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। ये गया यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गए, माइनस एक्स प्लस एक्स हुआ, और x की वैल्यू मल्टीप्लाई का 4 आके डिवाइड कर दिया, तो x मिल गया 20 मीटर। तो मतलब हमारे अब ये डिस्टेंस मिल गया कि पोल से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट था, करके यहाँ से 20 मीटर था ये वाले पोल से, और ये वाले पोल से फिर नेचुरली कितना आएगा 60 आएगा। बचा अब सिर्फ हाइट निकालना है। अब हाइट के लिए या तो ए बी में डाल दो वैल्यू या तो सी डी में डाल दो, दोनों ही तो इक्वल ही है, तो ए बी वाला ज़्यादा आसान है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। पुट इन वन, तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, रूट 3 इंटू एक्स था ना, तो यह आया 20 रूट 3 मीटर। डाउट? फाइनल आंसर अब लिख रहा हूँ सिर्फ कि हाइट ऑफ द टू पोल्स इज 20 रूट 3 मीटर्स सो देयरफॉर हाइट ऑफ टू पोल्स ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन रोड इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल। कंफ्यूजन? तो इतना लिख लेते हो पहले, जब बता दूं आगे का। सो पहले क्वेश्चन नंबर 11,
डायग्राम दिया है वो हम लोगों को. टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल. टीवी टावर जो है ये हमारा कैनाल हो गया. कैनाल के एक एंड पे एक बैंक से एक साइड है ना, कैनाल का जो बैंक होता है तो उसमें एक तरफ ये टीवी टावर है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो दूसरा एंड है टावर के अपोजिट साइड में, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का. डायग्राम में मार्क करके दिया है. फ्रॉम अनादर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30. मतलब इसी लाइन पे 20 मीटर और दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. तो क्या क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या निकालना है, ए बी, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब दिस, ये दो चीज़ें निकालना है. तो करके दो मंजे नहीं, कैनाल तो यहीं तक है. अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द बैंक ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस. तो दूसरा एंड जो था वो ये था, तो कैनाल यहीं तक है. क्लियर? तो बी सी सिर्फ अपने को निकालना है. कैसे करोगे? क्या करेंगे? एक कॉमन साइड है क्या दोनों ट्रायंगल्स में? एडी. तो कौन सी साइड आती है, मतलब अपोजिट वाली आती है, एडजेसेंट वाली आती है? ए बी है, ए बी कॉमन साइड है. तो कौन सी साइड? तो अपोजिट साइड आती है. तो इसका मतलब आप लोगों को अपोजिट और एडजेसेंट का ही काम है, क्योंकि ये तो दिया है. तो दोनों ही ट्रायंगल में टैन लगाओ और देखो कैसे आता है फिर आंसर. कोशिश करो, नहीं आया तो मैं करके देता हूँ. आगे का देखो. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. बेटा तुम लोग आगे बसून जाता का? ये एक बिल्डिंग है और एक टावर है, काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही बोलू शकता, फक्त थोडंसं मागे बसून जा म्हणजे आम्हाला पण हे होईल, डिस्टर्ब नाही होणार. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाय बिल्डिंग द अँगल ऑफ एलिव्हेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री. तो ये मेरी बिल्डिंग हो गई ए बी, ये हो गया सी डी मेरा केबल टॉवर, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. बराबर, एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब इसका ये मीनिंग हुआ कि जो टॉवर है उसकी हाइट ज़्यादा है और बिल्डिंग जो है उसकी हाइट कम है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45. ये एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है. इसमें और कुछ नहीं दिया है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग दिया हुआ है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो अब ये अगर 7 है तो ये डी भी कितना रहेगा? 7 रहेगा. अब इस एंगल में देखो, अगर अपने को एक साइड पता है तो हम लोग ये ए ही निकाल सकते हैं क्या? मिल जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ए ही मिल जाएगा, और ए ही मिलने के बाद अगर एक बार आपको एडजेसेंट मिल गया तो फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके यहाँ पे सी मिल जाएगा. ऐड करोगे तो टोटल हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा. पक्का करो सॉल्व, देखो जमता है क्या. डायग्राम निकालो पहले.